तो अब मैं चली डॉक्टर साहब को छोड़ रही इनके हॉस्टल, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं मेडिकल कॉलेज का नजारा। आज पूजा की वजह से मैं भी देखूंगी मेडिकल कॉलेज के अंदर का नजारा। तो गाइस ये देखिए मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का। आप लोग कहाँ को जाना है, लेफ्ट राइट? राइट राइट। यह पूजा का रूम, पिंकिश पिंकिश अभी इसके रूम लगा रही है नीचे झाड़ू। और मैं दिखाती हूँ आपको नित्या क्या कर रही है। नित्या डाल रही है पेड़ों में पानी। हाय, वाह वाह, वेरी गुड। पानी तो बचा ही नहीं इसके लिए। इस पेड़ में भी डाल दिया आपने? हाँ। अरे वाह, आप तो छुपे छुपे बहुत काम कर रही हो भाई। इधर भी डाल दिया इसने पानी। अब एक ही बच्चा है। अच्छा, आप अम्मा की हेल्प कर रही हो। हाँ बाबू, बस ज्यादा नहीं के डालते हैं, वो छोटा पेड़ है तो उसमें कम डालते हैं। ओके, तो गुड मॉर्निंग तो बोल दो। इधर देख के बोलो। अरे आप तो बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हो कैप पहन के। ये भी आ गया है आप इसके ऊपर। अच्छा, अब अखबार पढ़ोगे आप? पढ़ो यार, ट्राई तो करो। अब ठंडे में मत जाओ, फिर ठंडा हो रहा है। अरे दो फूल में बुला रहे। क्या? दो फूलों में। नहीं नहीं, डाल दिया, सब में डाल दिया आपने। आओ अंदर आओ, चलो चल चल चल, आजा अंदर। अम्मा नीचे तो चली हो। अम्मा झाड़ू लगा रही है। एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम, नमस्कार। तो हेलो गाइस, तो मैंने फूलों में पानी डाल दिया। तो आज है मंडे, और मंडे तो सबकी हमारी है आज छुट्टी। बट पवन को भी जाना है थोड़ी देर के लिए स्कूल, और मुझे भी जाना है। बट नित्या काशी तो घर पे ही रहेंगे। नित्या ने सुबह उठ के बहुत सारा काम भी कर लिया है। अभी काशी सोई हुई है और मम्मी भी झाड़ू लगानी है। मैंने सिर्फ नहाया है, ऊपर भी पानी डालना है। हाँ, मैंने सिर्फ अभी नहाया हुआ है और अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो उसके बाद आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं, बस थोड़ा बहुत मेरे को जुखाम है। तो दोस्तों अभी मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इसका काम चल रहा है। तो टाइम हो रहा है कुछ 8:30, और आज मेरी नित्या आ रही है मेरे साथ मेरे स्कूल। कितनी खुश है वो देखिए गाइस। तो आज बच्चे रिहर्सल के लिए बुला रखे हैं स्कूल में। तो नित्या बोल रही थी मम्मा मुझे भी आपका स्कूल देखना है। तो नित्या को हम लेके जा रहे हैं, मतलब मैं लेके जा रही हूँ अपने स्कूल। और काशी से झूठ बोला है कि तू शादी में जाएगी करके, तो वो तैयार हो रखी है, बट उसे बताना नहीं है कि हम तुझसे झूठ बोल रहे हैं करके, कभी कहीं सुन लेगी वो। तो भी तैयार होकर दोनों को नहीं ले जा सकती ना, क्योंकि ये तो बड़ी है, ये मान जाती है, वो थोड़ा मान नहीं पा मानती नहीं है, थोड़ा जिद करती है। तो इसलिए नित्या नित्या आ रही है। छी, चलो बाय गाइस, मैं मम्मा के स्कूल जा रही हूँ। बोलो बाय गाइस, मम्मा तेरे को जा रही हूँ। बहुत खुशी है, आज भी छुट्टी है। तो गाइस नित्या हो चुकी है स्कूल के लिए रेडी। नित्या बाय करो, और अब हम मिलते हैं आप लोगों से स्कूल से आने के बाद। चलो अभी हम आ गए हैं स्कूल से वापस घर। देखते हैं काशी क्या कर रही है। आपको कैसा लगा मम्मा के स्कूल में? बहुत अच्छा। अब तक मम्मा थे डैडी और मैं, कल मम्मा थे स्कूल आने। अच्छा, कल फिर से जाओगे? हाँ। हुआ? अभी शादी में जाएंगे हम, ठीक है? ठीक है, अभी शादी में जाएंगे, ठीक है? ठीक है, अभी हम शादी में जाएंगे, ये दीदी को नहीं लेके जाएंगे। हम शादी में जाएंगे, इसको नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, नित्या को नहीं लेके जाएंगे शादी में। नित्या स्कूल आई ना मम्मा के, नित्या शादी में नहीं आएगी, नहीं आएगी। बस हो जा, चुप कर जा। तो दोस्तों छुट्टी की धूप क्या मजेदार होती है। देखो फाइनली चंपा भाभी ने अपने दर्शन दे दिए। ये देती नहीं है बस झाड़ू में ही देती है धूप में, वो भी कभी कभी। और हम खा रहे हैं एप्पल और ऑरेंज धूप में बैठ के, बहुत ही अच्छी धूप होती है। तो अभी धूप सेकते हैं हम बढ़िया से, फिर मिलते हैं आपसे। आ गए
गई। माची क्या है वो अपने हॉस्टल के लिए लाई है वो। तेरे पास बहुत टेडी हैं। छोटा बेबी। हाँ। ये बड़ा बेबी में घर छोड़ के आया, छोटा बेबी अपने साथ लेके आया। मासी हॉस्टल जा रही ना अपने, यहीं से जाएगी ना हॉस्टल। चिते रहो। हॉस्टल दो दिन की छुट्टी काट के फिर के जाने लग गई है हॉस्टल। ये मेरे मायके से आया होगा। आज ही मैं कह रही थी यार नींबू सानेंगे करके। नींबू आए हैं आपके लिए। नींबू आए हैं, अखरोट आए हैं। नानी लेके आई है पहाड़ से। नींबू भी नींबू माल्टा लाए हैं नाना जी। नानी कोई बात नहीं, माल्टा है वहीं रख दे माल्टा। तो गाइस डॉक्टर साहब के घर आते ही क्वेश्चन पूछते रह गए हैं बच्चे। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, हमें खांसी क्यों होती है ना। ओए भुक्कड़ मासी को खाने दे। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रही हो मासी से, डॉक्टर मासी से। दाड़ों में हम पंखा नहीं चलाते। अच्छा पंखा चलाते हैं, बुखार वगैरह आ जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। गर्मी में चलाते हैं क्योंकि नहीं। अच्छा अच्छा वो खा यार उसको खा। क्या हुआ यार तुम उसे खाने भी नहीं दे रहे हो, उसे अभी जाना है। जाची ना आप मुझे मेरी बहन को परेशान करने नहीं देते, मैं आपकी बहन को परेशान नहीं करूं। उच्चो आप मुझे मेरी बहन को परेशान करने तो नहीं देते, बल मैं आपकी बहन को परेशान कर दूंगा। अच्छा अच्छा खाने दे मासी को। मेरे आए हैं बढ़िया से रसदार मायके से माल्टा, तो हम खाते हैं, आप भी मजे लीजिए। ठंडे ठंडे खट्टे खट्टे मार्कता से, मीठे मीठे हैं खट्टे नहीं है। इसमें मैं डालती चाट मसाला ये। अब मैं करती हूं चाट और मैं एक सबसे पहले खाऊंगी, दिखाती हूं आपको। हां मुंह में रसा है। मामा लीजिए। तो अब मैं चली डॉक्टर साहब को छोड़ रही इनके हॉस्टल, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं मेडिकल कॉलेज का नजारा, सूट कर पाई तो थोड़ा बहुत। नहीं बेटा आज आज बाय। बाय अब वो भी आ गई। बाय चलो जाओ तो ऊपर जाओ। चलो चलो रास्ते में छोड़। क्यों रास्ते में क्यों रास्ते में छोड़ देना भाई, ऊपर नहीं चढ़ना बेटा, गिर जाओगे। बाय मासी को जेल हो रही इनके लिए। बाय। तो गाइस आज पूजा की वजह से मैं भी देखूंगी मेडिकल कॉलेज के अंदर का। मेडिकल कॉलेज से बाद में देखेंगे, पहले कार वाले अपनी स्वीट संभाल लें। तो आज मैं भी पहली बार जाऊंगी मेडिकल कॉलेज से अंदर, मतलब गेट से अंदर। एक बार गई थी कोविड के टाइम पे जब इंजेक्शन लग रहे थे, बट आधे थे कि यही अंदर तक नहीं गई थी, बट आज मैं जाऊंगी अंदर। तो दोस्तों इसका करनी है मुझे फोटोशूट इसके कॉलेज के गेट के बाहर। क्या होगा ये फ्रंट कैमरा करके देके गई है मुझे। फोटोशूट हो चुका है इसका, अब हम जाएंगे अंदर। डॉक्टर साहब का फोटोशूट हो चुका है। अच्छी यही होगी ना, फिर बताऊंगी। तो हेलमेट पकड़ पहले। तो गाइस ये देखिए मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का। आप लोग कहाँ को जाना है, लेफ्ट राइट राइट राइट। ये शिव जी का मंदिर है इधर, मंदिर नहीं है मूर्ति है। तो अगर आज फोटो नहीं थी पूजा की अच्छी नहीं आई होगी, तो गेट पे इसने मेरा कच्चा बच्चा चबा जाना है। अगर तो बात तो सही है। लेबोरेटरी ब्लॉक और यहाँ मेरा मेडिकल हुआ था। अब सीधे सीधे चलते हैं राइट साइड पे, यहाँ हुआ था मेडिकल इसका। लेक्चर थिएटर देखेगी मेरा, लेकिन तो इस साइड से आगे चलते रहे। यह है कैंटीन, ये इस साइड कैंटीन है। सीधे सीधे चलते रहना, सीधे 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 सीधे।
गाइस आ गया इसका हॉस्टल। चल चल बस हम आ गए हैं इसके हॉस्टल के अंदर। इसको अंदर तक छोड़ के आती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी निकलूंगी घर को। अच्छा है वैसे यहाँ का ना, वो थर्ड ईयर थर्ड ईयर में है ना, उसमें इधर रहती होगी वो थर्ड ईयर। अच्छा अलग अलग हॉस्टल अलग अलग वाला, ये सीनियर हॉस्टल में से उस साइड को मेरा है। तो इसको छोड़ती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए मेडिकल कॉलेज का नज़ारा। ये है हमारा हॉस्टल, ये है इसका हॉस्टल। चलो ये है यहाँ का इनका खेलने वाला ग्राउंड, बच्चों ने अपने कपड़े सुखा रखे हैं। क्या हुआ, चाबी भूल गई? तो ये है यहाँ के हॉस्टल। अच्छा उस साइड है, ये हमारे पूजा मैडम का कमरा, ये है मेरा कमरा। ये पहले से लगा हुआ है इसमें? हाँ ये पहले से लगा हुआ, मैंने निकाला ही नहीं है। अच्छा लग रहा है वो, ये हमारे सीनियर ने लगाया हुआ जो मेरे मेरे रूम में रहते हैं। ये इसके यहाँ पे की लॉबी, ये आंगन, यह है पूजा का रूम, पिंकिश पिंकिश। अभी इसकी रूम पार्टनर नहीं आई है, रूम पार्टनर का बेड वैसे ही का वैसा ही है। और यह है पूजा का रूम, गणपति बप्पा रखे हैं इसने। और पिंकिश पिंकिश कितना अच्छा लग रहा है ये। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट। ये है पढ़ने वालों का रूम में कुछ ऐसा ही होता है, फायर फायर फायर। इफ़ यू वॉन्ट शाइन लाइक सन फर्स्ट बर्न लाइक इट। ओ कोई बात नहीं, बी अ पीकॉक इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डक्स। ड्रॉप, ये ड्रॉप यार वो पता नहीं अंदर अंदर ही कैसे हो गया, वो मम्मी सही से लगा के गई थी। वो है ना कंबल है ना, तो इसको कवर क्यों लगाया? नहीं वो अजीब सा लगता है ना मेरे को, मतलब मेरे को उसमें ठंडी लगती है। अब ये देखो ये करवाने के लायक है, मुझे अपने कंबल का कवर सही करवाने को। रुक जा मैं पर्दा हटाती हूं। तो गाइस ये अपने रूम का ब्लैंकेट सही करवाने के लिए लेके आई है मेरे को। करो करो, कैसे सोती है तू? तो कुछ दिन पहले हुआ यार, ये पता नहीं कैसे हुआ यार, कर दे यार मेरे से तो नहीं हो रहा। मैंने कहा जो मेरे को छोड़ने आएगा उससे ये काम कराऊंगी। हाँ यहाँ नीचे से ज्यादा हो रहा ना, ऊपर से ज्यादा कहाँ हो रहा। ये कवर छोटा है ना, इसका ब्लैंकेट मैंने ठीक कर दिया है और ये अपना ब्लैंकेट सही नहीं कर पा रही है गाइस, देखिए क्या करेगी ये लड़की। और ये इसने गणपति बप्पा रख रखे हैं छोटे छोटे से, इसके पीछे का नजारा है। कोई बात नहीं चलो, ये हैंड से बना रखा है यार सभी, ये तो ये है बैक साइड से मतलब इसके जस्ट फ्रंट साइड से। अच्छा ये सेकेंड ईयर का होगा ना इधर, तो तुम इधर कैसे जाते हो? जाते हो ये तो माने है, पूरा माने है ऊपर की फ्लोर पे इंटर्न्स रहती हैं और फोर्थ ईयर की भी रहती हैं शायद, कुछ ऐसे इंटर्न्स रहती हैं सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे। अच्छा तो यहाँ पे पूजा अपनी एंट्री कर रही है। ये अपनी एंट्री कर रही है। अभी तक मैं ही आई हूँ घर से, और कोई आया? जो और गए घर वो इधर आस पास के हैं, कुछ देहरादून के हैं। मैंने इसे छोड़ दिया है हॉस्टल में और इसका हॉस्टल भी देख लिया है। अब ये मेरे को छोड़ने आ रही है गेट तक। अब मैं भी निकलती हूँ घर को, उसके बाद मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद। बाय। तो हे गाइस मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर को छोड़ के वापस घर। तो आज के व्लॉग में आपने देखा नित्या मेरे स्कूल आई थी और हाँ हाँ काशी आएगी अगली बार, काशी भी आएगी ठीक है। हाँ तो और नहीं आएगी। हाँ अब हो जाओ, हो गया।
गया बस। तो मेडिकल कॉलेज अंदर से किसने पहली बार देखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके, एक अलग सा फील आया मुझे वहाँ जाके, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का और बहुत ही अच्छा लग भी रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ व्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। इसके बाद जो हमारा इवनिंग का व्यू है, इवनिंग का जो रूटीन है या इवनिंग में जो चीज़ें अभी होंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि हाँ जाओगो तो, क्योंकि अभी पापा आ रहे हैं पहाड़ से वापस घर, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। पापा से के पहाड़ का लौटने का व्लॉग मैं आपको कल वाले व्लॉग में कंटिन्यू दिखाऊंगी, क्योंकि कंटिन्यू करूँगी कल के व्लॉग में, पहले वो कंटिन्यू करूँगी उसके बाद कल का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अदरवाइज़। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं हुई है बट बोल देती हूँ, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।